Is it a quadrilateral? Closed figure. Four-sided, closed figure. अब इसमें कितनी साइड्स हैं? अगर इसको मुझे क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो व्हाट आई हैव टू डू? वी आर टू रिमूव वन साइड. सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्या क्या जो है इसमें हो सकता है? व्हेनेवर यू आर टू नेम दिस, किस हिसाब से नेमिंग होती है? यहाँ बी लिख दू, कहाँ आएगा? या इधर या इधर, इट शुड बी एडजेसेंट. तो अगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, या हम इसको इस वे में लिख सकते हैं, अदरवाइज वी कैन राइट इट डाउन इन दिस वे. ए बी यहाँ, सी यही रहेगा आपका. डी और बी की जो पोजीशंस है वो इंटरचेंज हो सकती है. अगर मैं इस तरीके से ले रही हूँ ए बी सी डी, दिस आई एम गोइंग क्लॉक वाइज, जिस डायरेक्शन में क्लॉक की जो है नीडल्स हैं वो जाते हैं, उनके हैंड्स जो है वो जाते हैं. अगर मैं ए बी सी डी इस तरीके से ले रही हूँ तो दैट इज एंटी क्लॉक. तो चाहे आप उसको क्लॉकवाइज ले लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, बट इट शुड बी इन ऑर्डर. ठीक है, अब इसमें नेम्स बताओ, क्या क्या चीजें हैं इसमें? वर्टिसेस हैं, कौन कौन से? हाउ मेनी वर्टिसेस आर क्वाड्रिलेटरल इज हैविंग? फोर वर्टिसेस आर देयर. कौन कौन से हैं यहाँ पे? फोर साइड्स, फोर एंगल्स. साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. एंगल्स, जो भी वर्टेक्स है ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दो साइड्स के बीच में है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एंगल. अब इसका नेम हम बी ए डी या डी ए बी ले सकते हैं, इसका ए बी सी या सी बी ए. जो भी एंगल की बात हो रही है, दैट वर्टेक्स शुड बी इन द सेंटर. जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको ए बी सी ले रही हूँ, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल एट वर्टेक्स बी. ठीक है, अगर मैं सी बी ए ले रही हूँ तो अगेन एंगल एट वर्टेक्स बी. ए सी और ये पोजिशन इंटरचेंज हो सकते. ठीक है, क्लियर है? देन ए सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायगनल. और बी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज अगेन अ डायगनल. तो इट इज हैविंग टू डायगनल्स. ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता है. अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें आता है, दैट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री. तो इसको अगर हमें प्रूव करना आता है तो हाउ विल यू प्रूव? शो करना है आपको, तो हाउ विल यू शो? नहीं, स्क्वायर 90 जरूरी नहीं है. मुझे तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम शो करना है. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट. मैंने क्या किया, ए सी को ज्वाइन कर दिया. यस, आपको पता है ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. इट मीन्स द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. इसको हम एंगल वन ले लेंगे, टू ले लेंगे, थ्री ले लेंगे एंड फोर ले लेंगे. तो अब बताओ क्या लिखूं? अगर मुझे ये लाइक आई हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, गिवन में क्या क्या लिखेंगे? गिवन क्या क्या है यहाँ? गिवन मींस जो आपके पास ऑलरेडी है, जिसको आप यूज करोगे. यू आर गिवन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. ठीक है, वो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? या सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस ए बी सी डी हैं, तो इट मींस ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360 डिग्री. ठीक है, अब हमने क्या किया, हम कैसे इसको प्रूव कर रहे हैं? हम प्रूव करेंगे कि ये दो ट्राइंगल्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से उसका सम 180 डिग्री होता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो दैट विल प्रूव द रिजल्ट. तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्शन की. जॉइन ए टू सी डायगनल है वो हमारा. अब प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए
प्लस एंगल ए किससे रिप्रेजेंट किया है मैंने, वन से, तो यहाँ वन लिख देते हैं, ठीक है। एंगल वन प्लस एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, यस, इसको इक्वेशन वन ले लें। देन इन ट्राइंगल, जैसे मर्जी ले लो, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सो एडिंग वन एंड टू क्या आ जाएगा, एडिंग इक्वेशंस वन एंड टू, एंगल वन प्लस एंगल बी प्लस एंगल टू प्लस एंगल फोर प्लस एंगल डी प्लस एंगल थ्री। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड हो गई, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऐड हो गई। अब कंपेयर ले लो वन के साथ फोर, तो एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल बी प्लस कम्यूटेटिव एडिशन, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब पता है, अब वन प्लस फोर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए को, टू प्लस थ्री इज रिप्रेजेंटिंग सी, तो ये हमारा आ गया ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी इज 360 डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो हेंस टू, लास्ट में आप लिख दोगे हेंस टू। अब क्योंकि पेपर आपका सब्जेक्टिव होना है तो थॉरली ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन। पहले एमसीक्यू वाले में हम कह देते होते थे कि ये पार्ट आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नाउ यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप। सो इज दिस क्लियर, नोटेड डाउन, अगर नोट नहीं किया है तो कर लो। ये आप करोगे नोटबुक में, हेडिंग दे देना थ्योरम, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ध्रुव हैव यू डन, ब्रिंग योर नोटबुक टू मी, नोटबुक खोली भी नहीं है अभी, है ना। पेन चाहिए, फिर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया करूं आगे से, मैं काम शुरू करते हैं, है ना। इज इट डन, मंडे तक आपका पिछला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए, एंड यू आर टू सबमिट मी योर नोटबुक्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल सेंड द पीडीएफ, हाँ जी, मेरे ब्लॉग में एक बार चेक कर लेना, बिकॉज वट एवर नोटबुक्स आर विद मी दैट आई हैव रिटर्न। किस तरह का रजिस्टर था, नोटबुक थी, हाँ जी, मेरी
बुक कैसे घूमगी? चेक कर लेना अलमीरा में अपनी, इज इट डन? ऐसे कहीं मिसप्लेस नहीं होगी, चेक योर अलमीरा, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स की डिफरेंट टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, कौन कौन सी? पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पाइप, रोम्बस। सो लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज। ऐसे लिखो, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। कौन सा लेना है? फर्स्ट वाला पैरेललोग्राम लेते हैं, पहले पैरेललोग्राम लो, उससे फिर पता लगता जाएगा आपको क्या क्या बन रहा है। बोर्ड विजिबल है लास्ट बेंच में स्ट्रोक से? चॉक बॉक्स इश्यू करवा लो बेटे। हाँ जी, क्या प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की? एक एक करके बोलो, साइड्स का बोलो पहले। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल कौन बोला? डायगोनल्स के लिए इक्वल किसने बोला? होती है कि नहीं? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आर इक्वल और नॉट? नो, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं दे मे और मे नॉट बी इक्वल, बट जब वो इक्वल बनते हैं तो दैट बिकम्स अ रेक्टेंगल, ठीक है? तो इक्वल जो है, डायगोनल्स आर इक्वल प्रॉपर्टी में नहीं लिखना है आप, गॉट इट? अब सेकंड प्रॉपर्टी बताइए। यस, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स 180 एंड डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होगी? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट ईच अदर? बाइसेक्ट का मतलब इट इज डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स है। बाइसेक्ट मतलब क्या मतलब पता लगा आपको इससे? नो नो, परपेंडिकुलर नहीं है ये। हाँ, वो तो एक डायगोनल उसको डिवाइड करता है। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हाँ जी, यस, इनका इसका मतलब ये है कि उनका जो मिड पॉइंट आएगा दोनों डायगोनल्स का, दैट विल बी द सेम पॉइंट, ठीक है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मींस उनका जो मिड पॉइंट आएगा दैट विल बी द सेम पॉइंट। और सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री एंड व्हाट अबाउट द ऑपोजिट एंगल्स? इक्वल। वैसे हम साइड्स से रिलेटेड ये दो प्रॉपर्टीज मेन करते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। रफ फिगर साथ में बना लेना। नेमिंग इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलें अगले पे। अब जो है इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं। ये लाइंस पैरेलल ड्रॉ करना, मेरी थोड़ी सी जो है पैरेलल नहीं लग रही है। अब इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है? यानी कि ये एंगल मैंने क्या किया, 90 डिग्री का ले लिया।
अब क्योंकि ओपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, एंड द एडजेसेंट का सम कितना होता है 180, तो ये भी 90 होगा। तीन एंगल्स हो गए हमारे पास, तो फोर्थ एंगल 360 माइनस, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आपका 360 होता है, तो फोर्थ एंगल भी आपका क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपकी एक थ्योरम भी है जो हम आगे करेंगे, दैट इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज करेंगे। रेक्टेंगल एक तो रेक्टेंगल फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल तो होती है। दिस इज अब ये सारी मोस्टली जो हम कर रहे हैं दीज आर टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल एंगल्स, सिर्फ ऑपोजिट की बात नहीं करेंगे, ऑल एंगल्स आर ऑफ मेजर 90 डिग्री, यस। डायगोनल्स आर इक्वल, अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसका जो डायगोनल है दैट डिवाइड्स द रेक्टेंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एनी अदर प्रॉपर्टी, देखो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं, देन दैट इज अगेन 180 डिग्री। तो वही पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज के साथ कुछ मॉडिफिकेशन हमने की, तो वो हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल। नहीं, नो नीड, डन, नोट डाउन हो गया, समझ आ गया। अब नेक्स्ट रेक्टेंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी अगेन कि अगर रेक्टेंगल में जो हमारा एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं देन रेक्टेंगल बिकम्स अ स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल, यस, diagonals are equal, bisect each other and are perpendicular to each other. Diagonal jo hai that is a special type of rhombus also you can say. Rhombus mein bhi aapki jo sabhi sides hain wo kya hoti hain, adjacent sides are equal, all sides are equal, diagonals bisect each other at 90 degree. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड द रोम्बस इज कि रोम्बस के जो डायगनल्स हैं वो अनइक्वल होते हैं, जब रोम्बस के डायगनल्स इक्वल हो जाते हैं दैट बिकम्स अ स्क्वायर, ठीक है। बाकी सभी इसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी जो पैरेललोग्राम वाली हैं। सो दिस इज ए बी सी डी, साइड्स इक्वल लगे आपकी इस तरीके से बना लेना। डन, नेक्स्ट क्या लें, रोम्बस। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑफ मेजर 90 डिग्री वाला कट कर देंगे, yes, diagonals are diagonals bisect each other and are perpendicular to each other, equal वाली हम बात ही नहीं कर रहे। हाँ जी, एंगल अगर एक भी 90 का हो जाता है पैरेललोग्राम में तो इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। हाँ जी, उसमें भी 90 होता है। हाँ जी, एनी डाउट बेटे, पूछो क्या क्वेश्चन है।
नहीं ना, वही तो बता रही हूँ, ये बना आपका, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। यू आर सेइंग कि ये दोनों हमने 90 लिए, तो ये जब आप 90 लोगे तो ये बन गया आपका। अब ये है क्या पैरेललोग्राम, ये साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ये साइड पैरेलल कब होगी, जब ये दोनों का सम 180 होगा। ये 90 है तो ऑटोमेटिकली ये 90 आपका बनेगा। फिर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये 180 मतलब 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। मतलब जिस तरह से मर्जी आप ले लो वो बनेगा आपका रेक्टेंगल भी, अगर वन एंगल हमें 90 डिग्री देगा। क्लियर है कि डाउट है अभी भी, तो यू कैन आस्क। चलिए रोम्बस क्लियर। नेक्स्ट वन इज ट्रेपीजियम, फोर साइडेड फिगर है ये भी। यस, वन पेयर ऑफ साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, यहाँ पे स्टार डाल के लिख लेना। इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, ट्रेपीजियम में अगर नॉन पैरेलल साइड्स आपकी जो हैं वो इक्वल गिवन होती हैं, देन दिस इज कॉल्ड, कौन सा ट्रेपीजियम बोलते हैं उसको, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, then it is an isosceles trapezium. Clear? ए डी इक्वल टू बी सी, जो मैंने फिगर ड्रॉ की है अकॉर्डिंग टू दिस, अगर ए डी इक्वल टू बी सी है, नॉन पैरल इक्वल होंगे, पैरल वाली नहीं, ठीक है। नॉन पैरल कौन कौन सी है, ए डी एंड बी सी। अच्छा एंगल्स के लिए एडजेसेंट एंगल्स 180 कह सकते हो, अब ये डी और सी 180 फॉर्म करेगा, सो व्हाट यू शुड राइट, ऑपोजिट भी नहीं ले सकते। हाँ जी हाँ, तो ठीक है, वो को इंटीरियर एंगल्स हो गए आपके 180, तो क्या लिख सकते हो इसको बेटे, ये इशारेबाजी बाद में कर लेना, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं पहले उधर ध्यान दे दो, थोड़ी सी नॉलेज ही बढ़ेगी आप लोगों की। क्या लिखें, तो इसमें फिर लिखने की जरूरत है या आप अपना कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिखने में क्या होगा कि अगर मैंने जैसे इसको यहाँ ए बी सी डी लिख लिया, मैं यहाँ लिख दू ए डी एज वेल एज बी सी आर सप्लीमेंट्री, लेकिन अगर कोई बच्चा इसको ऐसे ले लेता है तो उसके एंगल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये वाले जो एंगल्स हैं इनका सम 180, इनका सम 180, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, तो ये हम प्रॉपर्टीज में नहीं लिख रहे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट काइट, डायग्राम बाइसेक्टर फॉर्मेशन,
और AD is equal to AB, ठीक है, ठीक है, तो सिर्फ adjacent side words नहीं आप इसमें लिख सकते, ठीक है, जो smaller वाली sides हैं that will be equal, जो longer वाली sides हैं that will be equal, तो लिख लो कि smaller sides will be equal to each other and the bigger या longer sides will be equal to each other. हांजी क्या कह रहे हो, ए डी इज इक्वल टू ए बी होगा यहाँ पे एंड सी डी इज इक्वल टू बी सी होगा, स्मॉलर साइड आपस में इक्वल होंगी, जो बड़ी वाली साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी, तो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. साइड का नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनेगा इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम वाली कोई भी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है. That I am not sure. Let me confirm, then I will make you write down. ठीक है? मुझे भी उसमें थोड़ी सी confusion हो रही है. So अभी मैं वो नहीं लिखवा रही हूँ. एक line छोड़ दो. In case if it will be there, so you can later on add this. अभी फिलहाल के लिए आपने लिख लिया AD is equal to AB. Smaller sides are equal and the longer sides are equal. So these were the types and properties of the quadrilaterals. ट्रेपीजियम का को इंटीरियर वाला कंसेप्ट दोबारा देख लो, ये हमें गिवन है. ट्रेपीजियम में हमें पता है कि साइड्स आर पैरेलल, ओपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ ओपोजिट साइड्स पैरेलल, तो मैंने ये दोनों पैरेलल लाइंस ले ली. अब इसमें ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स बन रहे हैं, को इंटीरियर, को इंटीरियर का सम 180, ठीक है. सेम वे में ये पैरेलल है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल्स आपके को इंटीरियर बन रहे हैं, ठीक है. चलिए आप देखिए यहाँ पे थ्योरम आपकी वन है 8.1. अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. हमने प्रॉपर्टी ये लिख ली थी, अब इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर रहे हैं. व्हाट वी आर गिवन इन दिस, गिवन में क्या लिखोगे, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड टू प्रूव हाँ, यानी कि दिस इज द पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन, मैंने बी डी से ले लिया तो आई हैव टू प्रूव दैट ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी डी, ऑर्डर सेम होगा, ठीक है. सो गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, to prove triangle ABD is congruent. Congruency का concept किया तो हुआ है ना हम लोगों ने. Triangle ABD is congruent to A के corresponding is C, D and B. Corresponding terms पता है? A के corresponding C क्योंकि opposite angles of a parallelogram are equal. अब ये पैरेलल लाइंस हैं तो बी और डी आपके क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वल होंगे. इधर से भी बी और डी आपके इक्वल होंगे, तो इसलिए ए के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने लिखा सी, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी एंड डी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी, तो ये आपके ऑर्डर में लिखते, ठीक है, क्लियर. तो इसकी हैबिट डाल लो कि इसको आपने ऑर्डर में ही लिखना है, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे टेंथ में आपको बहुत हेल्प करेगा. टेंथ में हमें सिमिलर ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया होता है, तो उसमें आपका अगर ये आपको पता है किस सीक्वेंस में लिखना है, किस बेसिस पे लिखना है, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर 10th स्टैंडर्ड. अब यहाँ क्लियर है ए बी डी कैसे आया, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि बी किस एंगल के इक्वल है, डी के इक्वल है, चाहे इधर इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी, यहाँ पे भी बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी, ठीक है. चलिए अब प्रूफ के लिए क्या किया हमने,
ज्वाइन किया बी टू डी। कंस्ट्रक्शन में लिख लो, प्रूफ में लिख लो, दोनों में चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप, इन ट्राइंगल जिनको मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पहले ये ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी। चलो बी डी इक्वल टू बी डी कॉमन है और हाँ जी ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी। रीजन मैंने ले लिया थर्ड ए डी इक्वल टू बी सी, दोनों का रीजन मैंने इकट्ठे मेंशन कर दिया। तो अब कौन सा क्राइटेरिया लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का? एस एस एस। आप चाहो तो एस ए एस से भी कर सकते हो, ये वाली साइड और ये वाली साइड और इनके ये वाले एंगल्स, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं आपके, तो दोनों इक्वल होंगे। तो चाहे आप एस ए एस यूज करो, चाहे एस 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 यूज करो, आप चाहो तो ए ए एस भी यूज कर सकते हो। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, दो एंगल्स और एक साइड, ए एस ए ए एस 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 ए एस, जो मर्जी क्राइटेरिया यूज करो, सब यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, सो बाय मैंने तीनों साइड्स ली हैं, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी बी, हेंस बी। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, सो दिस वी हैव प्रूव्ड। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट थ्योरम 8.2। इन अ पैरेललोग्राम ओपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमें क्या शो करना है? ओपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी हमने क्या प्रूव किया? ट्राइंगल्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट। अब इसका ऐसा एक चीज का बच्चे आपने ध्यान रखना है, जिनका प्रूफ बुक में गिवन नहीं है, ठीक है, वो वाले मतलब आपके क्वेश्चंस जो है प्रूव करने नहीं आ सकते, दैट आर प्रूव्ड थ्रू एन एक्टिविटी ओनली। तो उनका इस तरीके से थियोरेटिकल प्रूफ हमने जो है सिलेबस में नहीं करना है। इसके अलावा मैं आपको थ्योरम्स बता दूंगी कि सिर्फ इन इन थ्योरम्स के प्रूफ्स आपने करने हैं, बाकी सबके रिजल्ट्स जो है वो हम अप्लाई करेंगे। दैट थ्योरम्स आर जस्ट फॉर मोटिवेशन कि उनका रिजल्ट्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं साथ के साथ आपको मार्क करवाती जाऊंगी कि ये प्रूफ आपने करना है, ये नहीं करना, तो अकॉर्डिंगली जिनके करने होंगे सिर्फ वही हम लेके चलेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, एज द बेल हैज गॉन, सो दैट क्वेश्चन वी विल डू टुमारो। फाइन, थैंक यू, हैव अ नाइस।